नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम समीर पन्नग रस के बारे में चर्चा करेंगे। छाती या हृदय अथवा फुफ्फुस के किसी भाग में दूषित कफ संचित हो जाने से इन अवयवों में विकृति आ गई हो, जिससे ये कमजोर हो, अपने काम करने में असमर्थ हो गए हों, तो समीर पन्नग रस के प्रयोग से बहुत फायदा होता है। इससे दूषित और संचित कफ निकल जाता है। समीर पन्नग रस के साथ चंद्रपुटी प्रवाल और लौह भस्म का मिश्रण देने से विशेष लाभ होता है। श्वास नलिका या गले में कभी कभी ज्यादा सूखी खांसी या दमा का ज्यादा दौरा होने से इनमें खराश पैदा हो जाती है, जिससे खाने पीने या खांसने में भी बहुत कष्ट होता है। इसे दूर करने के लिए समीर पन्नग रस में सितुपलादी चूर्ण, च्यवनप्राश या शहद में मिलाकर चटाने से खराश मिट जाती है तथा खांसी भी कम हो जाती है और कफ निकल जाने से श्वास नली भी साफ हो जाती है, जिससे दमा श्वास का वेग कम हो जाता है। श्वास रोग में यदि बात या कफ की प्रधानता हो, सूखी खांसी हो, कफ नहीं निकलता हो, श्वास ज्यादा फूलती हो, तो ऐसी दशा में कफ निकलने के लिए समीर पन्नग रस आधी रत्ती, प्रवाल भस्म एक रत्ती, शुद्ध टंकण दो रत्ती शहद के साथ दें और ऊपर से मुलेठी, बनप्सा, मिश्री, भेड़ का छिलका, अड़ूसी का पत्ता, इनका क्वाथ बनाकर पिलाएं। इससे कफ बहुत शीघ्र बाहर निकलने लगता है तथा श्वास का वेग भी कम हो जाता है। ऋतु और दोष के अनुसार पुरानी खांसी में भी परिवर्तन होता है, अर्थात बरसात ऋतु में वातजन्य दोष की प्रधानता के कारण ग्रीष्म ऋतु में पित्तजन्य एवं शीत ऋतु में कफजन्य खांसी उत्पन्न होती है, परंतु यह खांसी सबको नहीं होती, प्रकृति के अनुसार होती है। ऐसी खांसी कभी कभी स्वयं शांत भी हो जाती है। जब दोष धातु में विलीन हो जाते हैं तब खांसी भी कम हो जाती है। फिर थोड़ा भी कुपथ्य होने पर यह दोष कुपित हो बार बार खांसी उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनुष्य रोगी को बराबर पथ्य और संयम से रहना ही पड़ता है, जिससे रोगी कमजोर हो जाता है तथा रोग भी पुराना होता चला जाता है और उसकी जीवन शक्ति निर्बल हो जाती है। जीवन शक्ति निर्बल तथा कमजोर हो जाने पर और दोष के अंश में शरीर में अत्यंत सूक्ष्म रूप से बीज रूप में जमकर बैठ जाने पर रोगी कितनी भी पथ्य, संयम, परहेज तथा दवाइयों का सेवन क्यों ना करे, कुछ भी लाभ नहीं होता। ऐसी दशा में रोग के बीज को नष्ट करना ही श्रेयस्कर है। इसके लिए समीर पन्नग रस का प्रयोग करना बहुत अच्छा है। वातजन्य आक्षेप, अर्धित, जीवा स्तंभ, धनुर्वात आदि रोगों में जब कफ की प्रधानता हो तब समीर पन्नग रस के सेवन से अच्छा लाभ होता है। इसी तरह स्नायुजन्य शूल में भी यह विशेष फायदा करता है। बात और कफ प्रधान उन्माद रोग में भी इसका उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है। कफ ही विशेष वृद्धि हो जाने पर मंदाग्नि हो जाती है, जिसकी वजह से खाए हुए अन्न का ठीक ठीक परिपाक नहीं होता और कफ की वृद्धि के कारण पित्त भी बहुत कम बन पाता है। ऐसी दशा में बढ़े हुए कफ को कम करने तथा पित्त को उत्तेजित कर मंदाग्नि दूर करने के लिए समीर पन्नग रस का सेवन करना बहुत हितकारक है। हैजे की अवस्था में बार बार दस्त और दमन होते हों, प्यास ज्यादा लगती हो, नाड़ी छीण हो गई हो, सर्वांग में ऐठन तथा शीतलता छा गई हो, कभी कभी रोगी बेहोश हो जाए, पसीना खूब निकलता हो, ऐसी भयंकर अवस्था में सौंठ और जायफल का महीन चूर्ण बना शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे पसीना रुकता है तथा बात का शमन हो, शरीर की ऐठन कम हो जाती है, दस्त में भी कुछ अंतर पड़ जाता है और पसीना रुकने से पित्त जागृत हो खून में गर्मी पैदा कर देता है, जिससे शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है। साथ ही
समीर पन्नग रस एक रत्ती, स्वर्ण माक्षिक भस्म एक रत्ती। अदरक के रस के साथ देने से रोगी का शरीर गर्म हो जाता है तथा बेहोशी दूर हो जाती है और रक्त में गर्मी पहुंचने के कारण रक्तवाहिनी नाड़ियां सबल हो जाती हैं तथा हृदय की निर्बलता दूर हो जाने से रोगी सशक्त हो जाता है। फिर सूत शेखर और संजीवनी बाटी आदि का भी प्रयोग करते रहे। इस तरह रोगी धीरे धीरे अच्छी हालत में आने लगता है और उसकी दशा भी सुधरने लगती है। कुछ ही दिनों बाद रोगी स्वस्थ हो जाता है। बद्ध कोष्ठता के कारण दस्त कब्ज हो जाता है। यह कब्जियत दीर्घकालीन होने के कारण शरीर में दूषित कीटाणु उत्पन्न हो बढ़ने लगते हैं, जिससे शरीर में किसी किसी को आक्षेप होने लगता है। यह आक्षेप खिंचाव जब तीव्रावस्था में पहुंचता है तब छाती की धड़कन बंद हो जाती है, श्वास लेने में कष्ट का अनुभव होता है, सिर में दर्द तथा मन घबराने लगता है। ऐसी अवस्था में समीर पन्नग रस आधी रत्ती, प्रभाकर बटी एक गोली, अभ्रक भस्म एक रत्ती में मिलाकर अदरक का रस या पान के रस अथवा तुलसी के रस के साथ देने से तथा महानारायण तेल अथवा चंदन आदि तेल को गर्म कर छाती पर मालिश करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। इस रोग में दवा देने से पहले कैस्टर ऑयल की 10 बूंद पाव भर दूध में मिलाकर पिला देने से उदर की शुद्धि हो जाती है। फिर उदर की शुद्धि होने के बाद दवा देने से विशेष लाभ होता है। समीर पन्नग रस शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध संखिया, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मेंसल, तुलसी पत्र आदि के मिश्रण से बालुका यंत्र के माध्यम से यह रसायन बनाया जाता है। समीर पन्नग रस आधी रत्ती से एक रत्ती पान या अदरक का रस या शहद, इनमें से किसी एक के साथ कफा जब कफ ज्यादा आ रहा हो मैं अड़ूसा या मुलेठी और बनफसा के साथ अथवा मिश्री के साथ देना चाहिए। समीर पन्नग रस बैद्यनाथ, संजीविका, साधना आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें।